बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज फिर एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महकमा पटवार में जॉब्स की बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है, इसमें टाइप करना है nextapplyjob.com। फ्रेंड जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर जॉब्स की डेली अपडेट आती रहती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की। तो आप भी इस वेबसाइट पर विजिट कर लिया करें। फ्रेंड ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर भी जॉब्स की डेली अपडेट आती रहती है। तो हम बात कर रहे थे जो महकमा पटवार में पटवारी की जॉब आई हैं, तो आपने स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है, गवर्नमेंट जॉब पर आ जाना है। इसमें आपको दूसरे नंबर पर पटवारी वाला एड मिलेगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड आपने इसे गौर से देख लेना है, इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 25 साल रखी गई है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट पेपर भी मिल जाएंगे, जिस जिस शहर में जॉब्स आ गई हैं उनके एडवर्टाइजमेंट पेपर भी आ गए हैं। मज़ीद एडवर्टाइजमेंट पेपर जो हैं वो आ रहे हैं अभी, तो आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखते जाना है। अगर आपके शहर का आ गया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद शहरों के लिए भी अभी एडवर्टाइजमेंट पेपर आ जाएंगे। तो ये काफ़ी तादाद में असामियों के अनाउंसमेंट की गई है। आपने इस वेबसाइट पर डेली विज़िट करते रहना है। जैसे जैसे ही दूसरे शहरों की एडवर्टाइजमेंट आएगी तो मैं इस वेबसाइट पर अपडेट कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।